हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई इंजीनियरिंग। आज हम लोग एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में किरचॉफ्स लॉ और नेटवर्क थ्योरम्स से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो विच ऑफ द फ्लोइंग थ्योरम इज द कन्वर्स ऑफ थेवेनियंस थ्योरम। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि थेवेनियंस थ्योरम का इक्विवेलेंट सर्किट क्या है। तो एक वोल्टेज सोर्स जिसका वैल्यू VTH और इससे एक सीरीज रेसिस्टेंस RTH जो है कनेक्टेड होता है, साथ में एक लोड रेसिस्टेंस कनेक्टेड होता है, यही इसका इक्विवेलेंट सर्किट होता है थेवेनियंस थ्योरम का। और एक और थ्योरम होता है जिसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है एक करंट सोर्स होता है और उसके साथ रेसिस्टेंस जो है पैरेलली कनेक्टेड होता है। तो ये ISC और ये RN, दैट मीन्स नॉर्टन रेसिस्टेंस। तो यही थेवेनियन थ्योरम्स का इक्विवेलेंट सर्किट है और ये नॉर्टन्स थ्योरम का इक्विवेलेंट सर्किट है। तो यही इक्विवेलेंट सर्किट एक दूसरे का क्या है, कन्वर्स है। तो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बोल सकते हैं कि थेवेनियंस थ्योरम जो है वो कन्वर्स है किसका, नॉर्टन्स थ्योरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें करेंट का वैल्यू फाइंड करना है एम्पियर में और यहाँ पे सर्किट डायग्राम जो है वो दिया हुआ है। तो करंट जो यही आई है इसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे और उसके बाद हम लोग करंट का वैल्यू जो है इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए ये 20 ओम है और ये दोनों 20 ओम एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये सॉल्व करने पर डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 10 ओम। और ये 10 ओम और ये 20 ओम एक दूसरे से क्या है, सीरीज कनेक्टेड है, तो टोटली क्या हो गया, 30 ओम हो गया। और ये 30 ओम और ये 40 ओम एक दूसरे से क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो 40 × 30 / 40 + 30 जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 / 7। अब ये 120 / 7 और ये जो कि दो पैरेलल 10 ओम का है तो सॉल्व करने पे 5 ओम आ जाएगा। दैट मीन्स ये 5 ओम और ये 120 / 7 जो है एक दूसरे से क्या हो जाएगा, सीरीज कनेक्टेड हो जाएगा। तो फाइनली जो है वो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 120 / 7 और प्लस 5 ये आ जाएगा 155 / 7। आई का वैल्यू फाइंड करना है तो फाइनल जो रिड्यूस होकर सर्किट आ गया वो क्या आ गया, 60 वोल्ट। और यहाँ पे करंट का वैल्यू फाइंड करना है और ये टोटल आर इक्विवेलेंट जो आ गया वो 155 / 7 आ गया। तो करंट का वैल्यू इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट। वी का वैल्यू है 60 वोल्ट / R इक्विवेलेंट कितना है, 155 / 7 ऊपर चला जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.71 एम्पियर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें नॉर्टन्स रेसिस्टेंस फाइंड करना है इन ओम में बिटवीन टर्मिनल ए और बी। इस दोनों टर्मिनल के बीच जो है ए और बी, इसके टर्मिनल के बीच यहाँ पे हम लोग को नॉर्टन रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो नॉर्टन रेसिस्टेंस फाइंड करने का स्टेप्स यह है कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो है उसको हम लोग पहले क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो ये जो है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग इस सर्किट को सॉल्व करेंगे और इसमें नॉर्टन रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो नॉर्टन रेसिस्टेंस फाइंड करने के, ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये तीनों 2 ओम रेसिस्टेंस जो है एक दूसरे के पैरेलल में है, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली हम बोल सकते हैं 2/3। जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है सेम वैल्यू होने पर उतना से डिवाइड हो जाता है। तो ये तीनों का सोल्यूशन जो है वो कितना आ गया, 2/3। अब ये 2/3 और ये 2 ओम जो है एक दूसरे से क्या हो गया, सीरीज कनेक्टेड, इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8/3। अब ये 8/3 और ये 2 ओम एक दूसरे से क्या हो जाएगा, तो पैरेलल हो जाएगा। तो इसको हम लोग पैरेलली करके 2 ओम से सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8/7। अब ये 8/7 और ये 2 ओम एक दूसरे से क्या हो गया, सीरीज, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 22/7। अब इस 20 इस टोटल यहाँ तक जो है सर्किट, इसका सोल्यूशन कितना आ गया है, 22/7। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम एक दूसरे से क्या है, पैरेलली है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1 ओम हो जाएगा।
अब ये 1 ओम और ये 22 डिवाइडेड बाय 7 जो है एक दूसरे के पैरेलल है, तो 22 डिवाइडेड बाय 7 पैरेलल किसके है, 1 के। इसको सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 29। अब ये 22 डिवाइडेड बाय 29 जो है ये 2 ओम रेजिस्टेंस से क्या है, सीरीज कनेक्टेड है। तो फाइनली जो है आर नॉर्टन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22 डिवाइडेड बाय 29 प्लस 2 और सॉल्व होके जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 29 और वैल्यू हो जाएगा 2.75 ओम। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पावर डिसिपेटेड इन वाट बाय 6 ओम रेसिस्टेंस, इस 6 ओम रेसिस्टेंस में कितना पावर डिसिपेट हो रहा है वो फाइंड करना है। तो हम लोग इसको फाइंड करने के लिए फर्स्ट इस सर्किट में, इस वाले पार्ट में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और इस वाले पार्ट में भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो जब यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स और साथ में एक रेजिस्टेंस जो सीरीज में कनेक्टेड होगा, तो इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 × 2 भी इक्वल टू आई आर से, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस का वैल्यू तो सेम होता है तो 3 ओम। सिमिलरली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट और इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो ये हो जाएगा 1 ओम। अब इस सर्किट को हम लोग मॉडिफाई करके जो डायग्राम बनेगा वो बनाते हैं। तो डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, एक 6 वोल्ट और ये 3 ओम, फिर ये 6 ओम, फिर ये 1 ओम और यहाँ पे वोल्टेज, इसके कारण से जो वोल्टेज आया था वो कितना था, 6 वोल्ट। तो इस रेसिस्टेंस का वैल्यू 3 है और इस रेसिस्टेंस का वैल्यू 6 ओम है और इस वैल्यू का वैल्यू 1 ओम है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे। तो इसमें KCL अप्लाई करते हैं और इसका जो है वैल्यू कुछ मान लेते हैं करंट का I, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो देखेंगे जहाँ से ये जो डायरेक्शन है करंट का, जहाँ से आउटवर्ड आ रहा है उस साइन को कंसीडर करते हुए हम लोग लिख सकते हैं। तो ये कौन सा साइन है, प्लस साइन, तो 6 वोल्ट। फिर यहाँ पे करंट इंटर करता है, माइनस से लीव करता है, सिमिलरली यहाँ प्लस से इंटर, माइनस से लीव, प्लस से इंटर, माइनस से लीव। तो यहाँ पे हम लोग जो आउटवर्ड हो रहा था वो साइन को कंसीडर कर रहे थे तो प्लस 6 वोल्ट लिए थे, सिमिलरली यहाँ पे भी आउटवर्ड माइनस साइन है तो माइनस 3 I लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस 6 I लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस I लिख सकते हैं और फाइनल यहाँ पे जो करंट आउटवर्ड हो रहा है माइनस 6 वोल्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। जब I इक्वल टू 0 आ गया है, दैट मीन्स इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू 0 आ गया है, तो इसमें पावर डिसिपेट जो होगा वो क्या आ जाएगा, I² × R। तो करंट का वैल्यू 0 है तो पावर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें नॉर्टन्स करंट फाइंड करना है थ्रू लोड रेसिस्टेंस। तो नॉर्टन्स करंट फाइंड करने का प्रोसेस क्या है, तो जिस लोड रेसिस्टेंस के थ्रू करंट फाइंड करना हो उसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और यहीं पे ISC का वैल्यू, डेट मीन्स शॉर्ट सर्किट करंट या नॉर्टन करंट, उसको हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये जो नोड है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ का वोल्टेज भी है और इसमें अप्लाई कर देते हैं क्या, KCL। तो हम लोग करंट का डायरेक्शन ऑलवेज आउटवर्ड मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं और इक्वेशन लिखते हैं V-30/4 प्लस, जब इस ब्रांच में लिखेंगे तो V/4 और सिमिलरली इस ब्रांच में लिखेंगे तो V/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से V का वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 10 वोल्ट। अब हमको फाइंड करना क्या है, करंट का वैल्यू। तो इस करंट का वैल्यू, डेट मीन्स यही वैल्यू जो है, यही इस ब्रांच का करंट है, डेट मीन्स ISC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V 10/4 इक्वल टू 2.5 एम्पियर। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2.5, डेट मीन्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें थेविनियंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, डेट मीन्स ये टर्मिनल ए और बी है, इसके अक्रॉस जो है वो थेविनियंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है।
तो यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, तो इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे और इसको भी यहाँ पे हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे। अब चूंकि ये तीनों 2 ओम का सेम रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट है तो सिंपली क्या हो जाएगा 2/3। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा 2/3। डैट मीन्स अब जो ये 2/3 और ये 2/3 जो है एक दूसरे से क्या हो जाएगा पैरेलल कनेक्टेड है, तो आर थेवेनियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 × 2/3 / 2/3, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा फाइनली 1/3 और सॉल्यूशन आ जाएगा 0.33। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन सी जो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो अभी जस्ट हम लोग ने कुछ देर पहले जो क्वेश्चन देखा उसमें कि नॉर्टन्स थ्योरम जो है वो क्या है कन्वर्स ऑफ क्या है थेवेनिन्स थ्योरम, तो ये ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट्स मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट इज, तो KCL क्या होता है कि अलजेब्रिक सम जो होता है मीटिंग एट अ पॉइंट क्या हो जाता है 0, तो ये KCL ही है। तो KCL में करंट जो है मीट करता है जिस पॉइंट पे वहाँ पे 0 होता है, तो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फ्लोइंग लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो है उस पे बेस्ड लॉ जो है वो कौन सा है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि एनर्जी स्टार्ट विथ ई और वोल्टेज एंड विथ ई, सो जहाँ पे मैच करेगा वही हो जाएगा। ये याद करने का एक ट्रिक है जिसे आप लोग याद रख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें नॉर्टन्स रेसिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, ये ए और ये बी इसी टर्मिनल पे ये नॉर्टन रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को क्या करना है शॉर्ट सर्किट कर देना है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब ये 4 ओम और ये 8 ओम एक दूसरे से क्या है पैरेलली कनेक्टेड है, तो 8 × 4/8 + 4, तो ये आ जाएगा 32/12। अब ये 32/12 और ये 2 ओम एक दूसरे से क्या है सीरीज कनेक्टेड है, तो 32/12 + 2, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 56/12 और आ जाएगा 4.66 ओम। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन जो है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू बोथ द रेजिस्टर्स ऑफ द गिवन सर्किट, तो यहाँ पे ये करंट और यहाँ पे जो करंट फ्लो रहा है इसको I1 मान लेते हैं, तो I1 और I2 जो है ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए ये जो पॉइंट है इससे ये वोल्टेज जो है कनेक्टेड है, तो जितना वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज इस पॉइंट पे भी होगा, डेट मीन्स 20 वोल्ट इस नोड का वोल्टेज हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे 20 वोल्ट है और इस पॉइंट पे कोई ग्राउंडेड है, सो इसमें जो करंट फ्लो रहा है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डेट मीन्स I1 का वैल्यू हो जाएगा 20/10 = 2, और I2 का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यही नोड इस नोड का वोल्टेज और यहाँ से ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 और ये एंड हो रहा है किस प्लस साइन पे, तो +10/20 ओम, सो 30/20 इसका वैल्यू हो जाएगा 1.5। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कहा जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन जो है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड V1 रिस्पेक्टिवली, तो I और V जो है फाइंड करना है। तो करंट का वैल्यू तो बहुत आसान है क्योंकि यहाँ से करंट इंटर कर रहा है यहाँ पे भी और यहाँ से भी करंट इंटर कर रहा है, डैट मीन्स इसमें जो करंट का वैल्यू होगा I1 वो दोनों का सम हो जाएगा KCL का यूज करके, 1 + 3 = क्या आ जाएगा 4 एम्पियर। अब चूंकि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो रहा है वो फाइंड हो गया है, तो यहाँ का वोल्टेज जो है वो आसानी से निकल जाएगा, V1 = क्या हो जाएगा I1 × R, डैट मीन्स I1 का वैल्यू आया है 4 × R का वैल्यू है 8 = 32 वोल्ट। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें नॉर्टन्स करंट एंड नॉर्टन्स रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो उसमें देखना है कि ऑप्शंस अगर डिफरेंट है हर एक का तो ईजी रहता है नॉर्टन्स
रेसिस्टेंस फाइंड करना। और नॉर्टन्स रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देना है और इसको ओपन कर देना है, और यहीं पे हम लोग क्या निकालना है, नॉर्टन रेसिस्टेंस। तो ये 8 × 4 डिवाइडेड बाय 8 + 4, ये एक दूसरे के पैरल में था, और ये 5 ओम जो है इससे सीरीज में है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7.66। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में 7.66 है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और हम लोग को सेकेंड जो इसका पैरामीटर है, दैट मीन्स नॉर्टन करंट जो है, वो फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी एग्जामिनेशन में, और टाइम सेव कर सकते हैं। अगर फिर भी इसका नॉर्टन करंट अगर निकालना है तो बहुत ही आसान है। इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे, और यहाँ पे ISC हमको फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग लगा देंगे इसको वी मान के, यहाँ पे हम लोग KCL लगाएंगे, और KCL लगाने के बाद यहाँ पे वी का वैल्यू फाइंड करके और ISC यहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो जब फाइंड करेंगे तो 2.09 आ जाएगा।